वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव हो रहा है, इसको लेकर पार्टियों में जीतने की होड़ लगी है। इसी बीच जमकर हंगामा भी हो रहा है, जहां हार से नाराज मंत्री जी ने जमकर बवाल काटा है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। हार से बौखलाए मंत्री जी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि उस पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि ये घटना उज्जैन की है। यहाँ बुधवार को हुए उज्जैन जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ है। इसके बाद शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव धरने पर बैठ गए। बुधवार को उज्जैन जनपद में अध्यक्ष और अन्य पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 25 जनपद प्रतिनिधियों का मतदान करना था, लेकिन 21 लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान कांग्रेस को 12 मत हासिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को विजय घोषित किया गया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। विधायक महेश परमार ने बताया कि कांग्रेस को 21 में से 12 मत मिले, जिसके आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। जैसे इस बात की जानकारी बीजेपी के नेताओं को लगी, उन्होंने जमकर हंगामा किया। शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाजपा समर्थित निर्वाचित सदस्यों ने वोट न डालने देने का आरोप प्रशासन पे लगाया। विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को साथ लेकर धरने पे बैठ गए। मंत्री ने मीडिया से कहा कि निर्वाचित सदस्यों को वोट न डालने देना लोकतंत्र की हत्या है, वो जंगल राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न नहीं कराई गई। 25 में से 13 सदस्य बीजेपी के थे, जबकि कांग्रेस के पास 12 सदस्य थे। ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न नहीं कराई गई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जनपद परिषद में धरना दे दिया और एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया कराने की मांग उठाई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को इस बात की जानकारी लगी कि कांग्रेस ने जनपद में अपना परचम लहरा दिया है, इसके बाद उनके सब्र का बांध टूट गया। जनपद की ओर लगाई गई पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए लाठी भी घुमाई। जो भारतीय जनता पार्टी के 13 वोटर है, 13 ही वोटर को रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस चूंकि चुनाव हारी हुई थी, वो कुल 12 वोट लेके आई थी, इसलिए वो 12 वोट डलवा चुके हैं। अब हमको 13 वोट नहीं डालने दिया, इसलिए हमारा इस बात का विरोध है कि अगर जनपद में 25 में से 13 जिसके पास है वो जीता हुआ कि हरा हुआ। जीते हुए को आप जान करते, हराने की बात करते हो। लोकतंत्र में मैदान में जाकर के मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। लेकिन जिद्दत का नाटक कर रहे, इससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं। मेरा निवेदन है अभी भी कि आज भारतीय जनता पार्टी के जनपद उज्जैन में 13 वोट है और कांग्रेस के कुल 12, और उनके 12 ही डले, हमारा 13 में से एक भी वोट नहीं डलने दिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको जान करते बेईमानी बोलेंगे। और इसमें पूरा हमारा चुनाव का पूरा सिस्टम फेल हुआ। मेरा निवेदन है कि दोबारा इस मामले में विचार करते हुए, हमारे 13 ही वोट तैयार है, अभी वोट डालने को तैयार है, लेकिन अगर वोट नहीं डालने दोगे तो कैसे चलेगा? उन्होंने एडीएम संतोष टैगोर और एसडीएम जगदीश मेहरा के खिलाफ नारेबाजी भी की और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। इसी बीच पिपलौदा द्वारकाधीश के देवेंद्र सिंह पवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस का वोट बना है। कांग्रेस समर्थित 12, भाजपा समर्थित 9 सदस्यों ने मतदान किया, 4 सदस्य नहीं आए हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़।